शिक्षक शिक्षक के जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र विषय में हम शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उस शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा का क्रम आज विकास के संदर्भ में चल रहा है। विकास के संदर्भ में हम अब धीरे धीरे विकास में आपके पक्षों विकास के संदर्भ में विवरण को आगे बढ़ाते हुए हम विकास के पक्ष पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमको यह जानना है कि विकास कैसे होता है। जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में कि जो विकास है उसके तीन महत्वपूर्ण पक्षों का, तीन महत्वपूर्ण अवस्थाओं का शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विशेष होता है। जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो विद्यालयी अवस्था है उन्हीं की बात की जाती है। आज यहाँ हम देखेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो है हम किस अवस्था, मतलब वहाँ जो है कि उनकी अवस्थाओं में जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है उसमें किसका अध्ययन करेंगे, तो किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। मुख्यतः हम पांच बिंदुओं का अध्ययन करते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। जो पहला बिंदु है, यानी इसके जो पक्ष हैं, उसका जो पहला पक्ष है वह है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट में हम यह देखेंगे कि बालक की जो लंबाई है, उसका भार है, उसका हड्डियों की जो स्थिति है किस तरह की है और किस अवस्था में कैसा होना चाहिए, एक इतना जनरल आइडिया डेवलप करेंगे, जिसके द्वारा हम उसके विद्यार्थी के को शिक्षक के रूप में उचित ढंग से परिवेश दे सकें, डेवलपमेंट में उसके सहयोग करेंगे। तो यह आपके लिए जानना ज़रूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात होती है मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास का कैसे होता है। मानसिक विकास यानी संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, तर्क क्या है, तर्क कैसे करेगा, वह मानसिक प्रक्रिया, मानसिक विभिन्न जो है मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल जो डेवलप मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो मानसिक रूप से विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं उनको कैसे विद्यार्थी या जो बालक है वह किस प्रकार से ले रहा है, उसकी क्या स्थिति है। और तीसरे जो पक्ष है उसको जो है सामाजिक विकास कहा जाता है। समाज, आप सामाजिक, समाज जानते ही हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, तो सामाजिक विकास में यही देखा जाएगा कि विद्यार्थी किस तरह से एक दूसरे के साथ उसका सामाजिक संबंध स्थापित हो रहा है, किस तरह से वह सोशल रिलेशंस को देखता है, उसकी स्थिति क्या है, वह क्या कितना संकोची है या कितना मिलनसार है। जब एक शिक्षक इन सब बातों को जानता रहेगा तभी वह बेहतर ढंग से उसका सामाजिक विकास निर्धारित करेगा। और इसके बाद चौथे विकास के जो पक्ष की बात आती है वह है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे संवेगों की स्थिति क्या है। संवेग से तात्पर्य आप जानते ही होंगे कि संवेग का तात्पर्य होता है एक ऐसा जो स्थिति जो उसे आपको वेग में डाल देता है, मैंने आपको स्थिति, आपकी जो सामान्य स्थिति है उसको गतिशील कर देता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत यही देखा जाएगा कि उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, शिक्षक क्या कर सकता है। तो विकास के पक्ष में, इस चौथे पक्ष में इसको देखेंगे और उसके पाँचवें पक्ष में हम उसको देखेंगे कि उसका नैतिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है इसकी बात करेंगे, नैतिक विकास की स्थिति क्या है, व्हाट इज कंडीशंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरलिटी से तात्पर्य होता है, नैतिकता से तात्पर्य होता है समाज द्वारा निर्धारित नियम कानून का एक ऐसा प्रारूप जिसको अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, तो क्या विद्यार्थी भी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब जैसे आप नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता का तात्पर्य ही हो जाता है कि जो समाज है, समुदाय है, जिसमें भी आप हैं वहाँ निर्धारित कुछ नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों को जो है वो कितना अनुपालन किया जा रहा है, अनुपालन नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जा रहा है और कैसे किया जाए, इन सब बातों का विद्यार्थी के संदर्भ में एक शिक्षक को जानना आवश्यक होता है। और इनको हम विस्तृत रूप से एक एक पक्षों का अध्ययन करेंगे। इसी में हम समझ लेते हैं कि जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, इसकी बात भी इसी प्रकरण में देख लेते हैं। तो यहाँ पर विकास अलग अलग वीडियो ना बना के यही देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास आप जानते ही हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को जानना भी जरूरी है। विकास का तात्पर्य ही होता है गुणात्मकता,
गुणात्मकता जो शरीर के विभिन्न अंगों की गुणात्मकता है वो कैसे प्रभावित हो रही है, उसको प्रभावित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह वंशानुक्रम की होती है। वंशानुक्रम जो है यही तय करता है कि विकास की सीमा क्या है। यह सीमा तय कर देता है कि सीमा किसकी तय करता है, आप समझिएगा। यहाँ लिख रहे हैं सीमा विकास की सीमा तय करता है कि विकास कितना होगा, इससे ज़्यादा विकास नहीं हो सकता है, यही तय करने वाला है। उस वंशानुक्रम के द्वारा ही विद्यार्थी जो बालक है उसको क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं, जीन प्राप्त होते हैं माता पिता से, और माता पिता के जो गुणों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक आपका वंशानुक्रम हो गया है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है वातावरण या परिवेश। आप जानते ही हैं वातावरण या परिवेश कितना प्रभावित करता है। जब तक जैसे ऐसे आप देख, ये जो है सीमा विकास विकास की सीमा तय करता है, और यह उस सीमा में जो विकास की सीमा यहाँ है, विकास की सीमा में कितना कैसे अधिकतम विकास हो इसको करता है, सीमा में अधिकतम विकास डिसाइड करता है। इसको डिसाइड करने में अधिकतम विकास जो जन्म से मिला हुआ है बालक को, उस सीमा में कितना अधिक से अधिक विकास कर सकता है या वातावरण तय करता है। उसके बाद जो तीसरा कारक हो सकता है जो प्रभावित करने वाला, वह है पौष्टिक भोजन। उसको पौष्टिक भोजन आप जान ही रहे हैं, शरीर मन आत्मा सबको बेहतर कर देता है, क्योंकि जो भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी उसी हिसाब से स्वस्थ रहेगा। तो पौष्टिक भोजन प्रभावित कराता है बालक के विकास को। उसके बाद जो है शुद्ध हवा तथा प्रकाश, मकान कहाँ रहता है, किस तरह के उसको जो शुद्ध हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं, हवा जल प्रकाश, इस तरह की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, अति आवश्यकताएं हैं, इनकी बात करता है। तो ठीक, इस तरह से ये शुद्ध हवा जल तथा प्रकाश प्रभावित करता है। और इसके बाद यदि बालक को देखिए आप, जैसे आज भी समाज में लिंग भेद का बहुत असर प्रभाव दिखाई पड़ता है, लड़के और लड़कियों में भेद हर परिवार में आपको महसूस हो जाएगा। जो लड़की है वह निश्चित रूप से जानती होगी, लड़का है वह भी जानता होगा कि उसको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है और लड़की को कम वैल्यू मिलता है। तो जिस परिवार में जैसे लिंग भेद होता जाता है तो लिंग भेद का भी प्रभाव उसमें पड़ता है जो विकास को प्रभावित करता है। अगली बात है कि बुद्धि की स्थिति क्या है, बालक की जो बुद्धि है वह कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है। जब बुद्धि में निम्न है, उच्च है या मध्यम है, तो जिस स्तर की बुद्धि होगी उसी स्तर के वो सामाजिक अंतःक्रिया को डिसाइड करेगा और अपने विकास को तय करेगा। बुद्धि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सब में पाई जाती हैं, और शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो समय समय पर उनमें से स्राव होता रहता है, और उन स्राव स्राव के परिणाम स्वरूप ही जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उन स्रावों के परिणाम स्वरूप शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण एड्रिनल ग्रंथ की बात करते हैं। एड्रिनल ग्रंथ को लड़ो और भागो कहा जाता है कि जैसे आप अचानक किसी घटना में होते हैं, कुछ खतरनाक कुछ खतरा सामने आ जाता है, तो वहाँ आपके शरीर से एक एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, और उस ग्रंथि के सक्रिय होने से आप उस स्थिति में सामान्य रूप से हो जाते हैं। अंतःसंकीर्ण ग्रंथियों के बाद जो होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण और कारक हो सकता है, यदि व्यक्ति रोग हो जाए या चोट लग जाए तो भी बालक को बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ेगा। चाहे वह कितना भी अच्छा लड़का हो, लेकिन अगर चोट से ग्रसित हो गया या रोग से ग्रसित हो गया तो उसका विकास प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद जो होती है नौवीं बात है उसकी, जो संस्कृति है, पारिवारिक परिस्थितियाँ, संस्कृति क्या है, परिवार में जो मूल्य हैं, मूल्य के प्रारूप कैसे हैं, इस तरह से जो संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति भी उसको विकास को प्रभावित करती है। दस उसके बाद जो होते हैं उसकी पारिवारिक जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक तमाम तरह की जो स्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक स्थिति भी व्यक्ति बालक के विकास के पक्षों को प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हमने जो है विकास के पक्ष और उसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में इस वीडियो में देखा। फिर अगले वीडियो में हम एक एक करके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के विकास के विभिन्न पक्षों, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का अध्ययन करेंगे। और तब तक आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।